हेलो स्टूडेंट्स, पाठ 12 उड़न परी हीमा दास के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि हीमा दास ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वे बहुत ही सामान्य परिवार से थी। उनके पिता के पास उनको ट्रेनिंग दिलाने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उनके कोच निपुण दास ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके लिए खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उठाई। अब हम इस पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कड़ी ट्रेनिंग का वक्त था। ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिस के साथ साथ खान पान और व्यायाम के कड़े नियमों का उनको पालन करना पड़ा। कोच निपुण दास ने जो हीमा दास थी उनको कड़ी ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनिंग के समय खान पान और व्यायाम के बहुत ही कड़े नियम थे जिनका उन्होंने पालन किया। कोच ने शुरुआत में उन्हें 100 मीटर की रेस कराई, जिसे हीमा ने रिकॉर्ड समय में ही पूरा कर लिया। इसके बाद 200 मीटर रेस में हिस्सा दिलवाया, वहां पर भी वे अव्वल रही, सबसे ऊपर आई। अब कोच निपुण दास को विश्वास हो चला था कि यह लड़की 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने लायक बन चुकी है। नेशनल टीम में खेलने के बाद पता चला कि यह लड़की नेशनल टीम में खेलने के बाद अप्रैल 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर स्पर्धा में वे छठे स्थान पर रहीं। यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं था। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था, यहाँ मैं दुनिया के बेहतरीन धावकों के साथ दौड़ी हूँ। इस दौरान मैंने बहुत सी जरूरी बातें सीखी हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगले जिस भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगी, स्वर्ण पदक ही जीतूंगी। जब हीमा दास बाहर राष्ट्रमंडल खेलों में खेलने के लिए जब वो गई, तो उन्हें वहां पर बहुत सारे अच्छे बेहतरीन धावक मिले और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। साथ ही उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय भी किया कि जब वे अगली बार आएंगी तो स्वर्ण पदक जीतेंगी। इस घटना के बाद सब हीमा दास का नाम भूल गए, लेकिन ग्रामीण इलाके की इस लड़की ने अपना वादा नहीं भूला। अतः देश वापस आकर उन्होंने जमकर के अभ्यास किया और अपनी टाइमिंग में सुधार भी किया। और फिर आया वह क्षण जब फिनलैंड में IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने न सिर्फ एथलेटिक्स के ट्रैक पर जनगणमन सुनने की भारतीय खेल प्रेमियों की पुरानी हसरत पूरी की, बल्कि पूरे देशवासियों की आंखों का भी वह तारा बन गई। प्रधानमंत्री ने जीत के उन क्षणों को अविस्मरणीय कहा। असम सरकार ने तो उन्हें राज्य का खेल दूत बनाने का भी ऐलान कर दिया। ढिंग गांव से फिनलैंड तक का सफर हीमा दास के लिए बहुत ही कठिन था, पर अपनी लगन और कठिन परिश्रम के बल पर हीमा ने अपने मुकाम को प्राप्त कर ही लिया। उन्होंने जो सोचा था कि वो अगले टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतेगी, उन्होंने वह अपना वादा पूरा किया और लोगों के दिलों में जगह बना ली। जीत के बाद हीमा का भाव विभोर होकर तिरंगा ढूंढना सबके दिलों को भीतर तक छू गया। फिर जब हीमा को स्वर्ण पदक पहनाया गया और राष्ट्रगान बजा, तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। आखिर देश के लिए खेलने का सपना जो पूरा हुआ था। हीमा न सिर्फ अपने कोच के भरोसे पर खरी उतरी, बल्कि उन्होंने देश के लिए नई उम्मीद जगा दी। उम्मीद भारत में एथलेटिक्स के एक नए दौर की शुरुआत की। इस उपलब्धि के लिए सितंबर सन 2018 में उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अर्जुन पुरस्कार खेल पुरस्कार के लिए सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। इसकी राइटर है, इसकी लेखिका है पूनम जैन। प्रासंगिकता है, हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अर्थात हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है, बहुत सारी योग्यताएं छिपी हुई हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनको सुविधाएं ना मिलने के कारण, सुविधाएं उपलब्ध ना होने के कारण, कभी कभी आर्थिक संकट के कारण ये सभी प्रतिभाएं देश के सामने नहीं आ पाती हैं। हीमा दास जैसी शिष्या और निपुण दास जैसे पारखी कोच हमेशा ही प्रासंगिक रहे हैं। आज भी विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे ही कला और प्रतिभा के पारखी योग्य रत्न ढूंढकर उन्हें तलाशने में लगे हुए हैं।
अब हम पढ़ते हैं माइंड मैप। उड़न परी हीमा दास। हीमा दास कौन थी? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला उड़न परी हीमा दास थी। इनका जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के नौगांव जिले के छोटे से गांव ढिंग में हुआ था। परिवार में भाई बहनों में सबसे छोटी थी। पिता चावल की खेती करने वाले किसान थे और फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी भी थे। हीमा दास को व्यायाम खेल टीचर ने जिला स्तर के फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान उनकी दौड़ने की क्षमता को देखकर उन्हें सलाह दी कि उन्हें धाविका बनना चाहिए। उनके ट्रेनर कौन थे? उनके ट्रेनर थे कोच निपुण दास, जिन्होंने हीमा दास की ट्रेनिंग के खर्चे का जिम्मा स्वयं उठाया और उन्हें गुवाहाटी ट्रेनिंग सेंटर तक वो लेकर गए। हीमा दास की उपलब्धियां हैं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 100 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक उन्होंने जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर की स्पर्धा में वे छठे स्थान पर रहीं और फिनलैंड में IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो हमने देखा कि किस प्रकार से उड़न परी हीमा दास एक साधारण से गांव में जन्मी, आर्थिक स्थिति से जूझती हुई, फिर भी उन्होंने अपने नाम को, अपनी प्रतिभा को देश के सामने प्रस्तुत किया और अपने धाविका बनने का सपना पूरा किया। थैंक यू।